नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज भाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपने पंच का एक और वीडियो। आज मैं इसका माइलेज टेस्ट करूंगा पेट्रोल में, तो देखते हैं कितने किलोमीटर ये निकालती है। गर्मी का टाइम है, एसी चलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप एसी ऑन है और पूरा यहाँ हाईवे ही जाएंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है एक दो किलोमीटर लोकल चले कहीं पे, तो वो जो भी आएगा एक दो किलोमीटर का डिफरेंस वो देख लेंगे कैसा कुछ रहेगा उसमें। गाड़ी में है दो लोग, हम मैं हूँ, एक भाई साथ में है। तो अब यहाँ पे इसकी टंकी फुल कराऊंगा मैं। वैसे फुल है, कल मैंने ये फुल करवाई थी, लेकिन कल भाई हो गया मेरे साथ धोखा। मैं माइलेज टेस्ट करने लगा इसका, तो 15 किलोमीटर स्टार्टिंग पे ये चल गई सीएनजी पे। यहाँ पे जो सीएनजी का इसका बटन है ये भाई देखो, अब तो ये सीएनजी पे जा नहीं रही, लेकिन कल ये ऑटोमेटिक सीएनजी पे हो गई, क्योंकि सीएनजी थी इसमें, मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसे गाड़ी स्टार्ट करी ऑटोमेटिक सीएनजी पे चलती है, और मैं अपना लेके चल दिया टैंक फुल करवा के। फिर आगे जाके ध्यान दिया मैंने, 15 किलोमीटर निकल चुके थे तो भाई वो गड़बड़ हो गई। फिर दोबारा करने लगा, दोबारा से फिर वैसा ही हुआ, 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर फिर वो सीएनजी पे चल गई। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं कल ही वीडियो बनाऊंगा, तो आज दोबारा से अब टैंक फुल कराऊंगा, 1 लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर जितना भी इसमें आएगा वो डलवा के, और फिर आगे इसका माइलेज टेस्ट करते हैं। ये एक टाइप से टैंक टू टैंक हो जाएगा। अब पूरा टैंक तो नहीं मैं इसमें यहाँ पे ये इसका खाली कर पाऊंगा, जितना भी चलेगी 30, 40, 50 किलोमीटर उसके हिसाब से दोबारा फिर टैंक फुल करवा के तो टेस्ट कर लेंगे। इसी मशीन पर डलवाया था कल भी, आज भी उसी मशीन पर डलवा के और फिर करते हैं यहाँ से कंटिन्यू। आज तो इसमें चांस ही नहीं है कि सीएनजी पे चली जाए, कल तो चली गई थी, आज सीएनजी मैंने पहले ख़त्म करी उसके बाद अब वीडियो बनाना स्टार्ट किया, नहीं तो दोबारा फिर भाई गड़बड़ हो जानी थी। अब टेस्ट करना है तो फिर अच्छे से करना है, उसमें फिर वही 2-4 किलोमीटर का डिफरेंस आता तो गड़बड़ हो जानी थी फिर उसमें। अब यहाँ पे माइलेज दिखा रहा है, जैसे 15.1 की खड़ी थी गाड़ी, खड़ी में एसी ऑन रहा लगभग 15-20 मिनट, तो उससे थोड़ा माइलेज इसका डाउन आ गया। वैसे 20+ दिखा रहा था यहाँ पे, एक लीटर भी पूरा नहीं आया भाई। हवा बन गई थी टैंक में, तो हवा के कारण इसका जो ढक्कन खोल रहे थे ना उससे पेट्रोल निकल गया। वैसे तो 1 लीटर भी नहीं आया पूरा। अब यहाँ पे ट्रिप ए को कर देते हैं 0, अब चेक करेंगे कितना आएगा। वैसे गर्मी में ज़्यादा नहीं भरवाना चाहिए, तो माइलेज टेस्ट करनी थी, इस चक्कर में भाई टैंक फुल करवाया 38.66 लीटर 3660 रुपये का, 60 के 61 ही हो गए, 71 पैसे थे, 94.69 का यहाँ पे रेट है। तो अब करते हैं भाई टेस्ट, जितना भी ये चलेगी पेट्रोल पे ही चलानी है। सीएनजी आज ख़त्म करी थी जैसे मैंने बताया है, बढ़िया से हो जाएगा माइलेज टेस्ट आज इसका। कल गड़बड़ हो गई थी, आज नहीं होगी गड़बड़। सीट बेल्ट लगाओ भैया, ओवरफ्लो नहीं करवाना चाहिए, पूरा ऊपर तक नहीं भरवाना चाहिए। और वैसे भी भाई गर्मी में हवा बनती है टैंक के अंदर, इसमें जो ढक्कन में छेद होता है ना छोटा सा, जो हवा बाहर निकलती रहती है जिससे, वो भी नहीं है, तो इस चक्कर में ज़्यादा हवा बनती है। लगभग आधा लीटर पेट्रोल गिर गया होगा और उतना ही टैंक में आया है, क्योंकि पेट्रोल पर तो चली ही नहीं थी, पेट्रोल पर तो बहुत कम चली थी, मुश्किल से ये कितनी 5-7 किलोमीटर चली थी, 8 चल गई होगी मैक्सिमम। तो वही था कि एक बार ऊपर तक करवा दूँ इसको, फिर बढ़िया टेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आके फिर दोबारा से ऊपर तक भरवाना है। तो देखते हैं अब कैसा ये चलती है, फिर लोकल का माइलेज टेस्ट करूंगा वो अलग वीडियो में, उसके बाद नहीं टंकी भरवा रहा भाई इसकी मैं, फिर उसके बाद जितना भी खाली हो जाएगा 1-2 पॉइंट इसका वो देखेंगे, लोकल में घुमा के तब इसको खड़ी करूंगा। अगर भाई इसको टैंक फुल करवा के खड़ी करी ना तो उससे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि टैंक फुल है और गाड़ी रहेगी धूप में, तो धूप में होती है फिर गड़बड़ पेट्रोल गाड़ियों में। भाई माइलेज यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रही है, टोटल 4.8 किलोमीटर चली है, 16 की माइलेज होगी। जब स्टार्टिंग में वीडियो बनाना स्टार्ट किया था मैंने, जब गाड़ी स्टार्ट करी थी ट्रिप 0 करके, तो तब थी इसमें लगभग 14 के आसपास 14-14.5 थी कुछ, अब होगी यहाँ पे 16.5। अब धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ता रहूंगा माइलेज बढ़ती रहेगी, 5.2 किलोमीटर हो गए। स्पीड लिमिट अपनी यही रखूंगा 90-100, बस उससे ऊपर नहीं जाऊंगा मैं 100 से ऊपर, क्योंकि रोड की लिमिट भी 100 ही है और 100 तक ही इसको मैक्सिमम मैं चलाऊंगा। उम्मीद है भाई 20 की निकाल देनी चाहिए हाईवे पे, अगर थोड़ा बहुत नीचे भी आएगी 18 भी आ जाए, तो गर्मी का टाइम है, हो सकता है भाई थोड़ा बहुत हो जाता है 1-2 किलोमीटर का गर्मी में, लेकिन 20 के आसपास रहेगी, ऐसा नहीं है कि 14-15 निकाल ले, पूरी उम्मीद है कि हाईवे पे 20 के आसपास रहेगी, तो वो देखते हैं अब क्या रहता है। भाई गाड़ी अपनी चल चुकी है 14.9 किलोमीटर, अभी थोड़ा सा यहाँ पे काम था मार्केट में, मैं कितना मुश्किल से 3 किलोमीटर चला हूँ, अब दोबारा से हाईवे पे जाके और फिर हाईवे ही चलूँगा। और माइलेज यहाँ पे आ गई भाई 18 से घट के 17.1 पे, क्योंकि गाड़ी ऑन है, एसी चल रहा है, तो
तो माइलेज हल्का हल्का ये डाउन आती जाएगी, जैसे इसको चलाना शुरू करूंगा वैसे बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो MID में माइलेज है आज वो भी चेक करेंगे कि ये भाई यहाँ पे ठीक दिखाता है या फिर इसमें जो डिफरेंस आएगा वो कितने किलोमीटर का आएगा। भाई 20.5 किलोमीटर चल चुकी है, दोबारा आ गया हाईवे पे, लगभग 8 किलोमीटर चली है जो मैंने नीचे लोकल चलाई है, तो 20 में से 8 किलोमीटर चल गई, 12 किलोमीटर हाईवे पे चली है, तब भी यहाँ पे MID में इसमें माइलेज दिखा रहा है 16.3 की। अब आगे जितना चलाऊंगा उसके हिसाब से माइलेज बढ़ती चली जाएगी, देखता हूँ कितना मैक्सिमम इसको चला पाता हूँ मैं, लगभग कोशिश करूंगा कि 50 के आसपास तो इसको चलाऊं। 50 किलोमीटर में भाई बढ़िया एक आ जाएगा ना एवरेज सा, 50-60 किलोमीटर अगर चल गई, तो अगर 20 की भी निकाल लेगी तो लगभग 3 किलोमीटर इसमें पेट्रोल डलेगा, तो 60 किलोमीटर तक मैं कोशिश करूंगा इसको चला के माइलेज टेस्ट करने की, बाकी और ज्यादा चला पाया तो भाई ज्यादा भी चलाऊंगा। जी भाई साहब 40 किलोमीटर क्रॉस हो गए और माइलेज आ गई है 19.9 की, अब वीडियो बनाते बनाते 20 पे पहुंच जाएगी ये। जो नॉर्मल आप चलाओगे हाईवे पे उसी तरीके से मैं चला रहा हूँ इसको, कि ऐसा नहीं है भाई माइलेज निकाल के मेरे को दिखाना है मैं इसकी 20 की माइलेज निकाल लूं या भाई 21 की माइलेज निकाल लूं, तो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं भी खुद अपने आप भी ये चेक करना चाह रहा हूँ कि भाई निकालती कितनी है ये, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने ली थी उस टाइम पे चेक नहीं किया, वैसे एक आइडिया लगाया था कि टैंक फुल करवा दिया भैया एक टैंक में चल गई, ये 800 किलोमीटर निकाल दिए, 700 निकाल दिए, 600 निकाल दिए, अब वो ध्यान नहीं है कि 800 निकाल रहे हैं, इस बात को आप ये ना लेना कि भाई एक टैंक में 800 निकाल गई, मैं वैसे बता रहा हूँ कि बस जितना निकाल दिया निकाल दिया, जब इसमें वो पेट्रोल वाली बत्ती आ गई उस टाइम पर दोबारा टैंक फुल करवा दिया, बस इस हिसाब से चलाई थी, कभी चेक नहीं किया कि भाई टैंक टू टैंक इसका मैं माइलेज चेक करके देखूँ निकाल कितना रही है, बस वैसे रफ आइडिया सा लगाया था कि भाई 20 प्लस निकाल रही है। मैं भी आज ही चेक करूंगा ये कितना माइलेज निकाल लेगी, और वैसे भी सर्विस आने वाली है जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया है, लगभग ये 13,000 के आसपास चली है। यहाँ पे मैं आपको ओडोमीटर इसका दिखा ही दूंगा, ये देखो 12912 टोटल ये चली है, अब सर्विस होगी इसकी 15 पे, तो उसके बाद हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा 1-2 किलोमीटर का, क्योंकि जो रेडिएटर वगैरह है उसमें भी भाई धूल मिट्टी जाती है वो भी साफ होगा, जो इसका एयर फिल्टर है उसकी भी सफाई होनी है, एसी वाला जो फिल्टर है वो भी चेंज होगा, तो इन चीज़ों का फर्क पड़ता है, 1-2 किलोमीटर का इसमें डिफरेंस आ जाएगा माइलेज में। अभी इसमें जो है ये माइलेज ये है सर्विस से पहले की, और वो भी जस्ट पहले की, क्योंकि 13,000 किलोमीटर चली है और इसको 1,000-1,500 किलोमीटर चला के सर्विस करवानी पड़ेगी, ज्यादा लंबा खींच नहीं सकते, 15 के पार नहीं कर सकते, 15 तक ही करवानी पड़ेगी। अब इस चीज का भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब नई नई गाड़ी होगी उस टाइम पे माइलेज अलग होती है, अब सर्विस के बाद में अगर टेस्ट करके देखूंगा ना, अब मान लो इसने 20 की निकाल ली है तो सर्विस के बाद हो सकता है ये 22 की निकाल दे, हो सकता है 23 की भी निकाल दे, क्योंकि सारे फिल्टर वगैरह सारे भाई नए होंगे, सब चीज हवा इसका जो ऑयल वगैरह वो सारा कुछ मतलब बढ़िया पूरे प्रेशर से खुल के चलेगा, तो उन चीजों का डिफरेंस होता है। अब गर्मी का टाइम वैसे है, एसी इसमें चलाएंगे, अगर एसी का फिल्टर इसका ब्लॉक होगा तो उस चीज का फर्क आएगा ना, फिर लोड पड़ेगा, डीजल में इतना कुछ खास नहीं होता लेकिन पेट्रोल में ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अगर आपको पेट्रोल गाड़ी से माइलेज निकालनी है ना, आज मैं आपको वो भी चीज बता दूं, जो ये वाली चीज है बीच में जैसे इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी मैंने बताया है, इसको जितना आप 30 के पास रखोगे ना, ऐसे जितना लाइट फुट पे चलाओगे उतना माइलेज बढ़िया निकालेगी। मेरे पास कई लोग कमेंट करते हैं कि हमारी पंच भाई 12 का माइलेज दे रही है, 15 का माइलेज दे रही है, आपकी इतना कैसे दे रही है, तो भाई वो यही है, अपनी हैबिट ऐसी बनाओ कि आपका जो पेडल प्रेस करने का जो तरीका है वो ऐसा रहे कि वो ज्यादा हार्ड प्रेस ना हो। अगर मैं एकदम इसको हार्ड प्रेस कर दूंगा ना, देखो अब एकदम से डाउन जाएगा ये, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसको हल्का हल्का आप प्रेस करो, इस हिसाब से ये ऊपर रहेगा और माइलेज बढ़िया निकालती रहेगी आपकी गाड़ी, जितना मर्जी आप लोकल चलाओ जितना मर्जी आप हाईवे पे चलाओ, जो इसका पैडल है उसको लाइट रखो, बस हार्ड प्रेस नहीं करना। सबसे जो मेन ट्रिक है, जो बेसिक ट्रिक है माइलेज निकालने की पेट्रोल कार में, वो भाई ये है, बाकी जो हवा वगैरह है वो अपनी प्रॉपर रखो, बाकी इसका जो एयर फिल्टर है या फिर जो रेडिएटर वगैरह है उनको क्लीन रखो। कई लोग होते हैं भाई कहीं कीचड़ वगैरह में ऐसे ही घुसा देते हैं, रेडिएटर आके ब्लॉक हो जाएगा, फिर इंजन को हवा नहीं मिलेगी, वो हीट होगा, तो उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा माइलेज में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। एयर फिल्टर है वो भी बार बार आपको चेक करते रहना चाहिए, अगर आपकी सर्विस नहीं हो रही तो बीच में भी उसको खोल के उसमें हवा मरवा के या फिर वैसे उसको चेंज करना है, ज्यादा गंदा है तो उसको चेंज कर दो, कोई ज्यादा महंगा नहीं होता वो, आफ्टर मार्केट अगर आप लोगे तो मुश्किल से 200-300 रुपए का होगा, कंपनी से 500 का होगा मैक्सिमम, तो उससे ज्यादा आपका बेनिफिट पेट्रोल में हो जाएगा, पेट्रोल में ज्यादा आप पैसे बचा लोगे। तो ये चीजें कई मैटर करती हैं, जो बेसिक्स ही हैं आपको ध्यान रखनी चाहिए किसी भी पेट्रोल या सीएनजी कार में,
बाकी भाई जो प्लग वगैरह हैं उन चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी सीएनजी कार में आपकी गाड़ी का कोई प्लग शॉर्ट हो गया, मानो 4 सिलेंडर गाड़ी है उसमें एक प्लग शॉर्ट हो गया, तो आपकी गाड़ी पूरा आपको पावर नहीं देगी, थोड़ा दब के चलेगी, वो थोड़ा अंडर पावर हो जाएगी और माइलेज भी वहां पे डाउन आ जाएगी। तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कहीं भी आप गाड़ी चला रहे हैं, चाहे लोकल है या हाईवे पे हैं या फिर आप कंपनी से काम करवाते हैं, तो भी प्लग वगैरह का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वैसे कंपनी वाले तो हर एक 20,000 किलोमीटर पे शायद से चेंज कर ही देते हैं प्लग। बाहर आपके हाथ में है, 20,000 पे करवाओ, 10,000 पे करवाओ या फिर भाई 50,000 पे करवाओ, तो वो तो आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं, लेकिन कंपनी वाले शायद से 20 पे कर देंगे चेंज। कंपनी में वैसे महंगे होते हैं, बाहर आपको सस्ते मिल जाएंगे, 700-800 रुपये में पूरा सेट मिल जाएगा चार प्लग का। तो वो स्पार्क प्लग आपको चेंज करवा देने चाहिए। अगर हर एक सर्विस पे करवा दो तो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी उसमें, लेकिन वो आप अपना पेट्रोल या सीएनजी से कवर कर सकते हैं। पेट्रोल वाली में इतनी दिक्कत नहीं होती स्पार्क प्लग चेंज करने की, सीएनजी वाले में ज़्यादा दिक्कत होती है, उसमें ज़्यादा जल्दी ख़राब होते हैं जो स्पार्क प्लग होते हैं। तो भाई ये हैं बेसिक सी चीज़ें माइलेज निकालने की। अब आपने देख लिया होगा कि 90, 80, 100 इसके बीच में मैं चला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिमिट भी 100 है, ये आप सामने पे देख सकते हैं, मैक्सिमम 100 की यहाँ पर लिमिट दी है। तो भाई लिमिट में ही चलाऊंगा और 50 किलोमीटर यहाँ होने वाले हैं, 20.8 की माइलेज यहाँ पे आ गई। अब मैंने दिखाया था जब आपको, जब शायद से 19.9 होगी शायद से, अब यहाँ पे 21 की आ गई है। तो माइलेज ये जितना हाईवे पे चलते जाएंगे ना MID में उतना बढ़ती चली जाएगी। हो सकता है यहाँ पे तो भाई 25 भी दिखा दे, लेकिन अब पता चलेगा जब पेट्रोल इसमें फुल करवाऊंगा मैं उस टाइम पे कि कितना इसमें पेट्रोल आता है। भाई पहुंच गया बस पंप पे और 2-3 किलोमीटर बच गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 23.3 की माइलेज ये दिखा रहा है, 81.56 हो गया, चलो 82-83 किलोमीटर चलेगी मैक्सिमम ये। तो देखते हैं अब डलवा के भाई कितना आएगा इसमें पेट्रोल और लास्ट में कितनी माइलेज निकल के आती है, अब चल जाएगा पता। बस अब 2 मिनट में वो सामने पंप है, 2 मिनट में ही पता चल जाएगा। ये पंप वाले भाई पेट्रोल डालने से भी मना कर रहे थे इसमें, क्योंकि कल मैंने फुल करवाई थी और आज जैसे इसका ढक्कन खोल रहा था ना तो वो ओवरफ्लो हो रहा था, गैस बन के बाहर फेंक रहा था ना पेट्रोल को। तो उस टाइम पे भाई फोन भी दूर हटाओ, फोन नहीं रखना यहाँ पे, फोन यूज नहीं करना, तो वीडियो नहीं बना पाया उस टाइम पे मैं। मेरा वहाँ पे जो पेट्रोल गिर रहा था ना वो भी दिखाता मैं आपको कि कैसे उसमें बाहर फेंक रहा था ये पेट्रोल। और अब देखते हैं पेट्रोल डाल लेंगे क्या कहेंगे, अब उस टाइम पे भी कह रहे थे कि भाई और नहीं डालना इसमें, और नहीं डालेंगे पेट्रोल हम। तो अब देखते हैं, एक बार जाके करता हूँ बात। आया पेट्रोल तो नहीं आया, हवा आ रही है बस, पेट्रोल नहीं आया, पेट्रोल बच गया। कितने कर दे फुल, जितने में भी होगी जीरो कर दे, पेट्रोल है स्लो पे चलाइए, स्पीड ज़्यादा नहीं, 4 लीटर तो आना चाहिए भाई, चार तो ऊपर ऊपर आना चाहिए, क्यों 80+ चल रही है, 80 तो लगभग चल रही है, तो 4+ आना चाहिए, नहीं तो ज्यादा माइलेज दे देगी फिर यार। कंपनी वाले 20-21 की कह रहे हैं, वो घूम रहे आते हैं। हाँ ये बैक पाइप होती है भाई इसकी, जो बैक प्रेशर आता है ना वापिस, तो वो होती है जो ऊपर दिखाई दे रही है ना आपको छोटी सी, वो देखो पेट्रोल आ रहा है उससे वापिस घूम के। चार पॉइंट 42 आ गया, और करूँ? हाँ हाँ पूरा ऊपर तक जो करा था ना सुबह उसी टाइप से ना भाई, आ गया बस थोड़ा होगा, बस 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 फिर तो नहीं देगा, बाहर गिर गया था तो ज़्यादा भाई, ऊपर तक आ गया पूरा, ये देखो पूरा इसके मुंह तक आ गया, थोड़ा बहुत गिर गया बाहर, लगभग 4.5 लीटर आ गया इसमें। लो जी भैया टैंक भी फुल हो गया, अब इसका माइलेज दिखाते हैं आपको एक बार कैलकुलेट करके। गाड़ी हो गई अपनी स्टार्ट, 82.7 किलोमीटर चली थी टोटल, तो अब करते हैं इसको कैलकुलेट। मीटर में तो दिखा रहा है जितना भी दिखा रहा है, ये 82.7 है, ये इसका जो ट्रिप बी है इसको कर देता हूँ यहाँ पे जीरो, क्योंकि अब मैंने जो इसकी टंकी फुल करवाई है इसका निकाल लूँगा मैं अब लोकल में घुमा के, वो भाई आपको अगले वीडियो में मिलेगा। एक बार दिखाइए फ़ोन, 82.7 था ना अभी, यह यहाँ पे 82.7 चली है और पेट्रोल आया है इसमें, ये आ गया यहाँ पे 0.7 डिवाइड
4.56 है ये यहाँ पे 5.6 18.13 की भाई यहाँ पे इसने माइलेज दिखाई है, जो थोड़ा बहुत था 18 की लगा लो आप, थोड़ा बहुत ऊपर जो डल गया था वो बाहर भी गिर गया था, तो आप 18 की लगा लो। वही कह रहा था मैं, जैसे गर्मी है तो गर्मी में भाई 18 से कम नहीं आनी चाहिए। वैसे 20 की थी उम्मीद मेरे को, 20 की निकालनी चाहिए। थोड़ा मैं लोकल भी घूम गया था, लगभग 8 किलोमीटर लोकल चलाई थी मैंने, तो वो भी थोड़ा डिफरेंस आ गया। टोटल 82 किलोमीटर जो भी था ये, उसमें से 8 किलोमीटर के करीब लोकल चल गया था। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं अब माइलेज क्या आई। अगर पूरा हाईवे पर चलता तो हो सकता था 20 के आसपास पहुंच जाती या फिर 20 को टच कर जाती। तो भाई ये था आज का वीडियो, पंच सीएनजी का एडवेंचर रिदम वेरिएंट है। वैसे मैंने आज पेट्रोल टेस्ट किया है कि हाईवे पे कितना माइलेज निकालती है, 18 का इसने निकाल दिया। बाकी एक दिन कोई अलग वीडियो भी बनाऊंगा कि प्रॉपर माइलेज कैसे आप निकाल सकते हैं अपनी पंच से। ये आज के वीडियो में सिर्फ माइलेज टेस्ट करना था, और वो भी हाईवे का, तो वो आज मैंने किया। अगले वीडियो में आपको मिलेगा लोकल। अब जो मैंने ये चलाई है, ये मैंने यहाँ पे दूसरा जो इसका ट्रिप है वो कर दिया यहाँ पे 0.9 यहाँ पे ये दिखा रहा है, और ये जो था ये यहाँ पे अब 84 हो गया। इसने यहाँ पे दिखाई थी 23 पॉइंट कुछ की माइलेज दिखाई थी। तो भाई डिफरेंस आप देख सकते हैं, जो MID है इसमें, जो ये इसका एवरेज दिखाता है मीटर में, ये कितना डिफरेंस आता है इसमें, एक्यूरेट नहीं है। यहाँ पे लगभग 5 का डिफरेंस आ गया इसमें, क्योंकि वहाँ पे 18 थी, यहाँ पे ये 23 दिखा रहा है, तो लगभग 5 का इसमें डिफरेंस आ गया। तो भाई ये आप देख सकते हैं, इसके भरोसे कभी भी आप ये ना सोचना कि आपकी गाड़ी कितना माइलेज निकाल रही है। एक्यूरेट माइलेज कुछ और थी, यहाँ पे माइलेज कुछ और दिखा रहा था। ये हर एक ट्रिप का अलग होता है, थोड़ी थोड़ी देर में ये चेंज होता रहेगा, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, तो ये चीज़ें बहुत सी यहाँ पे अलग हो जाएंगी। तो ये था आज का वीडियो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।